दोस्तों नमस्कार, मैं सोन शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और दोस्तों जैसे कि आजकल कोविड का ही टाइम है, कोविड का बहुत ज़्यादा प्रकोप जो है छाया हुआ है, बहुत सारे लोग जो है गंभीर बीमारी से परेशान हो रहे हैं, इस तरह के वायरस से परेशान हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए दोस्तों कुछ ऐसे बेसिक आपको टॉपिक बताऊँगी, और साथ में दोस्तों आपको बताऊँगी कि अगर आप मास्क करते हैं यूज़ तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो है दोस्तों जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं और उन लोगों को जो है कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे जो है उनको, और जब दोबारा से वो कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए या फिर उनके घर के सदस्य को किसी को भी कोरोना वायरस ना हो जाए तो उसके लिए उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो है दोस्तों साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अगर आप भी मास्क का उपयोग करते हैं तो अगर आप जो है मास्क, कोई भी मास्क, किसी भी तरह का मास्क यूज़ करते हैं तो जो है दोस्तों आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने समय तक जो है आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए। पहली बात है दोस्तों, अगर हम कंटिन्यू मास्क का यूज़ करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो सकता है, और जो है हमारे दिमाग तक, हमारे मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक जो है ऑक्सीजन पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है अगर आप लंबे समय तक जो है मास्क को पहने रखते हो। और जो है लोगों को देखा गया है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं कि उनको जो है वीकनेस, कमज़ोरी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो है आपने मास्क का उपयोग जो है किस तरह से करना है, और जो है दोस्तों अगर आप मास्क कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको जो है डेथ तक होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को हमारी को रोक लेता है, और जो है उससे फिर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जो है दोस्तों कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप जो है मास्क पहनते हैं तो ऐसा मास्क पहने जो हमारे थोड़ा सा जो है हमें ऑक्सीजन तक जो है हमारे शरीर में आने दे, और जैसे कि N95 है या कोई इस तरह का मास्क आपने पहनना है जो आपको जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर भी करे और आपके शरीर के अंदर जो है कोई ऑक्सीजन की कमी भी ना होने दे। दूसरी चीज़ अगर आप अकेले बैठे हों, कहीं पर भी आप अकेले बैठे हो, कुछ लोग क्या करते हैं कंटिन्यू मास्क का यूज़ करते हैं और हटाते ही नहीं है। अगर आप अकेले बैठे हो तो आप अपना मास्क जो है हटा सकते हैं। और जो दोस्तों कुछ लोग घरों में भी यूज़ कर रहे हैं तो घर में यूज़ ना करें, मास्क का उपयोग जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ही करना चाहिए। घर में अगर आप अकेले हैं या घर के मेंबर्स आपके साथ बैठे हैं तब आप मास्क का यूज़ नहीं करें। और जो है तीसरी चीज़ है दोस्तों, एसी, कूलर, जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, गर्मी का मौसम है, तो इस टाइम पे जो है इनको थोड़ा सा अवॉइड करें या फिर कम यूज़ करें। ज़्यादा देर तक एसी या कूलर का भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये ठंडक पहुँचाते हैं और ठंडक से ही दोस्तों हमारे शरीर के अंदर कोरोना जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, या फिर आपको जो है सर्दी जुकाम, खांसी जुकाम, जिस तरह के सिम्टम जो है कोरोना के होते हैं उस तरह के हो सकते हैं, जिससे जो है आपको डॉक्टरों के चक्कर या हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और वो फिर आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। और ये दोस्तों अगर आप जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या कोरोना से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में भी ध्यान रखना चाहिए। कोरोना से रिकवर कर गए हैं तब भी आपको कौन सी डाइट आपको खानी चाहिए, जैसे कि विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, और पूरी तरह से नींद लेनी चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको सोना चाहिए, और जो है 15 से 20 मिनट दोस्तों आपको धूप में भी ज़रूर बैठना चाहिए। जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है या हो रहा है, या फिर जो लोग जो है बचना चाहते हैं इससे, तो उनको जो है 15 से 20 मिनट तक ज़रूर जो है धूप सेकनी चाहिए। तो और क्या है दोस्तों, कम से कम 2.5 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और जो है दोस्तों मेन बात क्या है कि जब भी आप भोजन करते हैं, जब भी हम कोई भी भोजन खाते हैं तो वो गर्म ही भोजन लेना चाहिए, ठंडी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ठंडी चीज़ें ही हमारे शरीर को जो है हमारे शरीर का गले के अंदर खराश या फिर गले में बलगम जमना,
सर्दी जुकाम होना, बुखार होना, इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं, तो ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। और जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, और जो लोग जो है रिकवर कर गए हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि अगर आप जो भी सामान आपने कोरोना के टाइम पर यूज़ किया है, जैसे कि आपने साबुन नहाने की किया है, पेस्ट आपने, टूथपेस्ट आपने, कुछ भी यूज़ किया है, उस सारी चीज़ों को जो है डिस्कार्ड कर दें, उन सारी चीज़ों को फेंक दें। और जो है अगर आपने टॉवल वगैरह जो भी कपड़े आपने यूज़ किए हैं उनको जो है दोस्तों अच्छी तरह से स्टरलाइज करें। स्टरलाइज मतलब गर्म पानी में उनको डीप करके रखें, थोड़ा सा डेटॉल या फिर सेवलॉन को डाल के जो है उसको अच्छे से वॉश करें अपने कपड़ों को। जिन भी बेड पे आप सोए हैं उनको धूप लगवाएं, या फिर चद्दर जो भी आपकी बेडशीट है उनको धोएं अच्छी तरह से, धूप जरूर लगवाएं दोस्तों, जिससे जो है आपके फैमिली मेम्बर्स को ये वायरस ना हो जाए और जो है उनको भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाए, जिससे जो है आपके घर के किसी भी सदस्य को, औरों को ना ये फैल सके, क्योंकि ये वायरस जो है 10 से 15 दिनों तक रहता ही रहता है। और हमारे ये आरएनए की फॉर्म का होता है, पर हमारे डीएनए में भी पाया जाने लग गया है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स की रिसर्च में भी ये जाना है कि भाई ये हमारे डीएनए में भी थोड़ा थोड़ा पनपता जाता है, जिससे ये दोबारा होने के चांस हो जाते हैं। तो आपने जो है अपनों का और अपने आप का भी, खुद का भी सेफ्टी के लिए जो है जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, जहाँ पे भी आप रहे हैं उस कमरे को सैनिटाइज़ ज़रूर करें, और जो है उस कमरे की भी खिड़कियाँ दरवाजे खोलें, और धूप का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा धूप सेकें, और जो है कपड़ों को ज़रूर धूप लगवा दें। जो भी आपने यूज़ किए हैं, जो भी आपने ओढ़े हैं, चाहे आप किसी भी बेड पर सोए हैं उस बेड पर भी जो है आपने धूप लगवानी है, या फिर आप अगर बेड बाहर नहीं निकाल सकते तो गद्दों को ज़रूर धूप लगवाएं, और जो है जो भी कपड़े आपने पहने थे या ओढ़े थे उन सारों को जो है सैनिटाइज कर दें या फिर स्टरलाइज कर दें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।